हेलो बेटा बच्चा, ये अभी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सो हमने फर्स्ट न्यूटन रिलेशन बिटवीन न्यूटन टू डायन देखा था, यूनिट ऑफ फोर्स इन एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम टू सीजे सिस्टम हमने कन्वर्ट किया था। अब उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं वो कन्वर्ट एमके यूनिट ऑफ वर्क इन CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का रिलेशन क्या है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हमको वर्क का डायमेंशन फार्मूला मालूम रहना चाहिए। सो वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ -2। ओके, सो अभी दिस वर्क यूनिट ऑफ वर्क से यूनिट ऑफ एमके सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो वी नो द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। जूल से हमें कन्वर्ट करना है सीजे सिस्टम में, सिस्टम सीजे सिस्टम ही इज अर्क। सो हम फार्मूला क्या लिखेंगे इसको, वन जूल इज इक्वल टू एन इंटू अर्क। ये इन एन का वैल्यू हमको निकालना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम वे में पहले स्टेप में किस तरह किया था हमने, लेट एम वन एल वन टी वन बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वर्क इन एम के एस सिस्टम। ये मैं भी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मगर डिटेल में आप लोगों को लिखना पड़ेगा, एम वन एम एल वन टी वन बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन एम के एस सिस्टम, दैट इज एम के एस सिस्टम ये किसके लिए है, जूल के लिए। सिमिलरली एम टू एल टू टी टू ये किसके लिए है, सी जे एस सिस्टम ऑफ वर्क दैट इज अर्क। सो ये कंसिडर करने के बाद फॉर्मूला क्या है, एम के एस सिस्टम ऑफ वर्क इज इक्वल टू एन इंटू सी जी एस सिस्टम। तो एम के एस सिस्टम ऑफ वर्क कितना है, इट इज कॉल्ड एज वॉट, जूल। वन जूल इज इक्वल टू एन इंटू अर्क। अगर मुझे एन निकालना है सो बिफोर डूइंग दैट जूल इज इक्वल टू एन, बट एम के सिस्टम ऑफ वर्क हम कैसे लिखेंगे, एम वन एल वन टी वन इज इक्वल टू एन इंटू एम टू एल टू टी टू। अभी इसको सेकेंड साइड भेज देंगे, एम वन एल वन टी वन डिवाइडेड बाई एम टू एल टू टी टू, एंड ये इधर सेकेंड जाएगा तो सेकेंड साइड भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, एम टू एल टू टी टू कहाँ आ जाएगा, डिनोमीटर में आ जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स इन डिनोमीटर व्हाट इज द मास, हियर इट इज टेकन एज व्हाट, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या है, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। सो विल राइट हियर के जी, एल इज वॉट मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। डिनोमीटर में क्या है, एम टू मास इज टेकन एज ग्राम, लेंथ इज टेकन एज सेंटीमीटर, टाइम इज टेकन एज सेकेंड स्क्वायर। सो के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर माइनस टू। अब क्या होगा, दिस टू विल गेट कैंसल, के जी। नाउ वन के जी इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, सो विल राइट हियर के जी मीटर स्क्वायर। दिस ग्राम, ग्राम का क्या है, टेन टू द पावर ऑफ -3 के जी। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का कितना है, टेन टू द पावर ऑफ -2 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, सो यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो दिस के जी के जी मीटर मीटर स्क्वायर विल गेट कैंसिल। अब नीचे क्या बचेगा, 10^-3 इंटू 10^-4, सो इट विल बिकम व्हाट, 10^-3 -4, सो इट विल बिकम 1/(10^-7)। इसको हम ऊपर ले लेंगे सो इट विल बिकम 10^-7। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो
MKS system of force is equal to N into, ये force नहीं work चल रहा है हमारा, CJ system of work. तो MKS system of work क्या है, जूल इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना निकाला हमने, 10^7. सी जे यूनिट क्या है, अर्ग है. सो क्या फार्मूला हमको मिला, रिलेशन क्या है, 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग. ये किसके बारे में आ गया, ये वर्क के बारे में आ गया. ओके सो और एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ. क्वेश्चन कैसे आएगा, कन्वर्ट द SI यूनिट ऑफ वर्क इन टू सी जे सिस्टम ऑफ वर्क. ओके सो SI सिस्टम या MKS सिस्टम ऑफ वर्क हमें कितना मालूम है, जूल है, और CJ सिस्टम कितना है, अर्ग है. इसका रिलेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, कन्वर्ट MKS सिस्टम है. सो फर्स्ट राइट, लेट M1, L1, T1 बी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन MKS सिस्टम और SI सिस्टम. सेकेंड लाइन में क्या लिखना है, लेट M2, L2, T2 बी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन CJ सिस्टम. ओके सो फार्मूला क्या है, MKS सिस्टम ऑफ वर्क इज इक्वल टू N इंटू CJ सिस्टम ऑफ वर्क. सो MKS सिस्टम ऑफ वर्क के लिए हमने क्या कंसिडर किया, M1 L1 T1 इज इक्वल टू N, और का कितना है, M2 L2 T2. सो N इज इक्वल टू क्या होगा, M1 L1 T1, M2 L2 T2 को सेकेंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, M2 L2 T2 आ जाएगा. सो M1 L1 T1 डिवाइडेड बाय M2 L2 T2. सो व्हाट विल हैपन टू दिस, M1 किसके लिए है, मास ऑफ SI सिस्टम kg, लेंथ का क्या है मीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या है पर सेकेंड, M2 ग्राम सेकेंड, CJ सिस्टम है तो CJ सिस्टम का ग्राम है, और लेंथ कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम कितना है सेकेंड स्क्वायर. तो सेकेंड स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे. अभी ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है, ग्राम kg कन्वर्ट करने के लिए क्या, ऑलरेडी हमने देखा 10^-3, और सेंटीमीटर का कितना है 10^-2 मीटर. सो दिस विल बिकम व्हाट, 10^-, स्क्वायर करेंगे तो हाँ सो दिस विल बिकम व्हाट, 10^ हाँ. तो क्या मिला हमको, M1 L1 T1 डिवाइड बाय M2 L2 T2. M1 कितना है, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये किसके बारे में है, वर्क के बारे में. सिमिलरली CJ सिस्टम में क्या आएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. तो सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. अब अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ kg मीटर स्क्वायर. अभी डिनोमिनेटर टर्म ग्राम है, ग्राम हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू kg, 10^-3 kg, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 10^-2 मीटर. तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 10^-4 मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर विल गेट कैंसिल. नाउ हमारे पास बचेगा क्या, 1/10^-3 इंटू 10^-4, 1/10^-3, 10^-4, बेसिस आर सेम, तो एक्सपोनेंट क्या कर सकते हैं, हम उसको ऐड कर सकते हैं. सो व्हेन द बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट कैन बी एडेड. सो इन दिस पर्टिकुलर केस, 10^-3 इंटू 10^-4 विल बिकम 1/10^-3 -4, तो क्या हो जाएगा, -7, 1/10^-7. सो n का वैल्यू विल बिकम व्हाट, 10^-7 को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10^+7. अब नाउ फार्मूला क्या है, MKS सिस्टम ऑफ वर्क इज इक्वल टू n इंटू CJ सिस्टम ऑफ वर्क. सो व्हाट इज द MKS सिस्टम ऑफ वर्क, जूल इंटू n इंटू अर्ग है, n इज व्हाट, 10^7, तो विल राइट 10^7 इंटू CJ सिस्टम ऑफ वर्क इज व्हाट, अर्ग. सो ये हुआ तुम्हारा 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग. सो ये सेकेंड वीडियो में हमने सेकेंड प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया है. तो ये क्वेश्चंस हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है. आज क्या चाहिए, नोट्स कंप्लीट कर लो, और इसका वीडियो बार बार देख के यू हैव टू कंप्लीट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो सेकेंड वीडियो में दूसरा प्रॉब्लम लेंगे हम, थर्ड वीडियो में